हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस पेशेंट के कंप्लीट मैनेजमेंट के बारे में। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, या तो ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है या जनरली क्लॉट ब्रेन के अंदर देखा जाता है, या किसी कंडीशन के अंदर कोई भी ऐसी जेनेटिक कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है जिसके कारण आपकी बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है क्लॉट फॉर्मेशन की। ज़्यादातर पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिनके अंदर स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं हाई ब्लड प्रेशर से, या डायबिटिक रहे होते हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ ब्लड के अंदर बढ़ी हुई होती हैं। ये पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं स्ट्रोक के लिए। अब इस कंडीशन के अंदर अगर आप ऑलरेडी इन बीमारियों से सफ़र कर रहे हो, अगर आप हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो, तो हमें शुरुआत से ही ध्यान रखना है अपनी इन बीमारियों का, अपने लेवल्स को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अगर आप बीपी की मेडिसिन खाते हैं, शुगर की मेडिसिन खाते हैं, तो उसको मिस नहीं करना है। टाइमली अपनी मैनेजमेंट ज़रूर करनी है, डेली मॉनिटरिंग करना है, चाहे बीपी हो चाहे शुगर वैल्यूज़ हो, आपको डेली चार्ट बनाकर लिखना है, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कब आपकी वैल्यूज़ फ्लक्चुएट हो रही है, कब आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, बढ़ रहा है, या शुगर डिप कर रही है। तो हमें आइडिया तभी लगता है अगर हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट मैनेजमेंट के बारे में कि जब भी किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो किस तरीके से पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करवाया जा सकता है, कैसे उस पेशेंट का ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें खास ध्यान रखना है ताकि पेशेंट हमारा दोबारा से इंडिपेंडेंट हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में कि जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, अब मान लीजिए इनिशियल स्टेज है, पेशेंट को पैरालिसिस हुए एक दो दिन हुए हैं और पेशेंट कम्प्लीटली बेड रिडन है, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है हमें उसे लाइट डाइट पे लाना होता है। बट लाइट डाइट जो इजी टू डाइजेस्ट हो और बॉडी को स्ट्रेंथ भी दे, इसी तरीके का डाइट उसे देना होता है। अब मान लीजिए पेशेंट बेड रिडन है, ज़्यादा मोबिलिटी नहीं कर सकता, चल फिर अभी बिल्कुल नहीं पा रहा है, सहारे के साथ बैठ ही पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो आप उसको लाइट प्रोटीन दे सकते हैं, जैसे कि आपकी दालें हैं, दालों का पानी दे सकते हो, सूप बनाकर दे सकते हो, चिकन सूप दे सकते हो, फिश को दाल में ही बिल्कुल मैश करके, मिंस करके, छान के, उसका पानी पतला पतला बनाकर, अगर पेशेंट नहीं आराम से चबा पा रहा है तो लिक्विड, अगर ट्यूब लगी है तो ट्यूब के थ्रू दे सकते हो, अगर मुँह से ले पा रहा है तो स्पून की हेल्प से, स्ट्रॉ की हेल्प से, अगर गल कर पाता है पेशेंट आप दे सकते हो। हमें खाना ऐसा देना है जो आसानी से पच भी जाए और शरीर को ताकत भी दे, क्योंकि अगर हम बिल्कुल उबला उबला खाना दे रहे हैं पेशेंट को और स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है पेशेंट को, तो पेशेंट चलने फिरने लायक, उठने बैठने लायक, दोबारा खड़े होने लायक नहीं बन पाता। तो हमें ध्यान क्या रखना है, आपकी डाइट के अंदर विटामिन डी, विटामिन B12, बाकी भी मिनरल्स पूरे हों ताकि पेशेंट की बॉडी को कंप्लीट सपोर्ट मिले, आपके सप्लीमेंट्स अलग से ऐड ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आपकी डाइट ही उसके लिए काफ़ी हो। अगर डाइट से पूरा नहीं हो पाता है तो डॉक्टर्स डेफिनेटली ऐड ऑन करते हैं सप्लीमेंट्स, बट फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू हमें अपनी बॉडी में कंप्लीट एनर्जी बनाए रखना है ताकि पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट ना बने, ना तो पेट में कोई गैस बने, ना ब्लोटिंग हो, ना दर्द महसूस करे, इस तरीके का खाना हमें पेशेंट को देना होता है। खाने के अंदर पेशेंट में अगर विंटर्स है तो अदरक लहसुन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, समर्स है तो कम मात्रा में करोगे क्योंकि कुछ लोगों को एसिडिटी कॉज करता है। अब हम बात करेंगे, आजकल विंटर सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है तो पेशेंट को किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान भी रखना होता है। अभी हमने बात की डाइट के लिए, डाइट में जो पेशेंट वेजिटेरियन है उनमें उन्हें दालों का पानी, दूध, गाय का दूध दे सकते हो, मलाई हटाकर आप दे सकते हो, खाने में दो टाइम दे सकते हो, या अगर कोई राइस ट्यूब पे है तो उसमें प्रोटीन पाउडर मिक्स करके भी दिया जाता है ताकि पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे। अब जो पेशेंट खाना चबा पाता है, उसको खाना निगलने में तकलीफ नहीं होती, आप उसको प्रॉपर डाइट देंगे ताकि बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे। अब पेशेंट थोड़ा सा सपोर्ट लेके अगर उठ बैठ पाता है तो आप उसको हल्के हल्के कदम चलवाएंगे ज़रूर, ताकि खाना पचना स्टार्ट हो जाए, कोई इंडाइजेशन कॉज ना हो। जब तक पेशेंट बेड रिडन है हमें ध्यान क्या रखना है
कि उसकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसका बार बार आपको साइड चेंज करनी है, एक ही पोजीशन में लिटाए नहीं रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही जगह पॉइंट पे प्रेशर पड़ने से बेड सोर्स बन जाते हैं, वहाँ पे घाव बन जाते हैं। जनरली आपकी कमर के नीचे के हिस्से में, आपके हिप रीजन में ये देखे जाते हैं, या नीज़ के पीछे, एंकल्स की बैक साइड पर, क्योंकि ये ज़्यादा आपके पोर्शंस बेड के ऊपर लाए कर रहे होते हैं जब आप लेटे हुए होते हो। या आपकी एल्बोज हैं, अगर पेशेंट की बाजू बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है, मूव नहीं कर पा रहा, इसी कंडीशन में बार बार रहती है, तो बार बार यहाँ पर दबाव बनने से वहाँ पर बेड सोर्स भी बन जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पेशेंट की हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट बेड रिडन है, आप डेली पेशेंट को नहला नहीं पा रहे हो क्योंकि उठाना बिठाना मुश्किल हो रहा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, आप स्पॉन्जिंग करोगे डेली पेशेंट की, अच्छे से ड्राई करोगे, आप पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वहाँ पर कोई भी गीलापन ना बना रहे, कोई भी मॉइस्चर ना बनी रहे, जिससे कोई स्किन एलर्जी, कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पर कॉज हो। तो हमें पेशेंट का खास ध्यान रखना है इन चीज़ों को लेकर। अभी हमने बात की डाइट को लेकर, डाइट के साथ साथ हाइजीन को लेकर, अब हम बात करेंगे पेशेंट की एक्सरसाइज को लेकर। जब भी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, इनिशियल के कुछ महीने कुछ दिन बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, क्योंकि अगर हम इनमें अच्छा एफर्ट लगा लेते हैं तो पेशेंट की बॉडी खुद से बहुत बढ़िया सपोर्ट करती है, बहुत तेज़ी से सपोर्ट करती है। अब जब काफ़ी टाइम बीत जाता है पैरालिसिस हुए, तो हमें एफर्ट बढ़ाना पड़ता है। रिजल्ट्स डेफिनेटली, चाहे कोई फ्रेश केस हो पैरालिसिस का या कई साल बीत भी गए हों, दोनों के अंदर मिलते ही मिलते हैं, बट एफर्ट बढ़ाते रहना पड़ता है। इनिशियली जब किसी को पैरालिसिस होता है, तो अगर पेशेंट थोड़ा सा सपोर्ट के साथ अब बैठने लग गया है, पकड़ के खड़ा हो जाता है, तो आपको डेली उसको थोड़ी देर खड़ा ज़रूर करवाना है, हाथ पकड़ कर सपोर्ट देकर, चाहे रेलिंग्स की सपोर्ट से करो, चाहे वॉकर की सपोर्ट से करो, अगर पेशेंट हाथ से वॉकर पकड़ लेता है तो आप वॉकर उसे देकर सपोर्ट से खड़ा करवा सकते हो, वॉल की सपोर्ट के साथ। अगर पेशेंट सपोर्ट से अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो दो लोग पकड़कर उसको थोड़ा सपोर्ट देते हुए, अपने आप नहीं खड़ा हो पा रहा है तो सपोर्ट देते हुए आपने को करवाना है। अगर पेशेंट अब खड़ा होना स्टार्ट हो गया है, खड़ा हो जाता है अच्छे से, अपने बॉडी वेट को संभाल पाता है, तो दो लोग पकड़कर उसको धीरे धीरे चलवाना स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर किसी का पैर आगे मूव नहीं कर पा रहा है, तो जैसे हम बच्चों को चलाते हैं, पैर पर पैर रख कर चलना सिखाते हैं, थोड़ा सा पुश हमें आपके पैर को पीछे से देते हुए, पेशेंट के पैर को ड्रैग करते हुए चलाना स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर पेशेंट को आप बिठाए रखोगे, पेशेंट के अंदर रिकवरी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि पेशेंट की मसल्स की वेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, मांसपेशियां सूखने लग जाएंगी अगर मांसपेशियों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसलिए हमें खास ध्यान रखना है कि पेशेंट की आर्म की एक्सरसाइज, उसकी लेग्स की एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली करवानी है। क्योंकि अगर हम एक लिम्ब को पकड़ लें, मान लीजिए पैर को, तो पैर जल्दी ठीक हो जाता है और हाथ पीछे रह जाता है, क्योंकि चलने के लिए दोनों लेग्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पेशेंट की लेग्स में जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है एज़ कम्पेयर टू आर्म्स। अब जो पेशेंट अपनी आर्म्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे, अपनी बाजू को मूव नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर पेशेंट की मांसपेशियाँ एकदम सूखने लग जाती हैं, टाइट होने लग जाती है, और बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिकवर करवाना। तो इनिशियल डेज से ही हमें हाथ और पैर की रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करवानी है। जब पेशेंट बेड रिडन है, तो आप पैसिव एक्सरसाइजेस करवाइए, किसी की सपोर्ट लेकर दम लगाकर करवानी पड़ती है। एक बार पेशेंट थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो गया, कि वो अपनी कमर संभालना स्टार्ट कर गया है, पैर पे वज़न लेना स्टार्ट कर गया है, तो उसका एफर्ट लगाना ज़रूरी हो जाता है, वो होती है एक्टिव एक्सरसाइजेस। एक्टिव एक्सरसाइजेस में मैक्सिमम यूज़ ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ पेशेंट के एंड पे होता है, और उसी से पेशेंट के अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। अब ब्रेन को दोबारा से ट्रेन करने के लिए, जब किसी को पैरालिसिस हो गया, ब्रेन का कुछ हिस्सा अब काम नहीं कर रहा है, उस ब्रेन का जो हिस्सा जो डेड हो चुका है, वो अभी कभी भी दोबारा से फंक्शनल नहीं हो पाता है, लेकिन आपका जो बाकी हेल्दी ब्रेन है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है बाकी ब्रेन की फंक्शनिंग को संभालने की, लेकिन उसको सिखाना पड़ता है, और ब्रेन सीख भी जाता है बट रेपिटेशंस के साथ। तो बार बार हमें वैसी एक्टिविटी करवानी पड़ती है, ताकि ब्रेन सीखना स्टार्ट करे और दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर वो एक्शंस आने स्टार्ट हो जाएं जो लॉस हो चुके हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के ब्रेन के ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया में, चाहे क्लॉट है चाहे हेमरेज है, छोटे से पार्ट में है, पेशेंट कुछ कुछ वर्ड बोल पा रहा है बट क्लियर नहीं बोल पा रहा है, तो बार बार हमें उसे
टू सिलेबल वर्ड जैसे ओम है, राम है, छोटे छोटे वर्ड्स, या उसके घर में किसी का नाम है, छोटे लेटर्स, छोटे वर्ड्स हमें बुलवाने होते हैं, रिपीटेशन करवा करवा कर। फिर धीरे धीरे हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, दो दो वर्ड्स को जोड़कर, दो वर्ड्स जब बोलना सीख गया, चार वर्ड्स हम जोड़ेंगे, वैसे ही उसका सेंटेंस कंप्लीट करवाना पड़ता है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं उसी तरीके से हमें ब्रेन को दोबारा सिखाना पड़ता है, तो एफर्ट्स हमें लगाते रहना पड़ता है। और जितना एफर्ट पेशेंट की हम एक्टिव एक्सरसाइज पे देते हैं, पेशेंट के एंड पे खुद से उसका दम लगवाते हैं, उतना वो फ्रूटफुल होता है आगे चलकर पेशेंट की स्पीडी रिकवरी में, क्योंकि खुद लगाया हुआ एफर्ट पेशेंट के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह काम करता है। उसका ब्रेन सीखता है, दोबारा से एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करता है और नेक्स्ट टाइम ब्रेन खुद से वो एक्टिविटी सीख जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के लिए इस चीज़ को समझना कि जो वो काम पहले करता था, जो उसका ऑक्यूपेशन था, अगर कोई हाउसवाइफ थी या टीचर था तो जो वो काम पहले करते थे, चाहे बच्चों को पढ़ाना है, लिखना है कुछ, अब आप मान लीजिए कि आप लिख पाते हो बट क्लियर नहीं लिख पाते हो, पेन होल्ड कर पा रहे हो, स्लोली लेटर्स लिख पा रहे हो, तो कर्सिव हैंड राइटिंग की बुक्स आती हैं, आप उसमें डेली एक एक लाइन अपना बढ़ाते जाइए, एक एक पैरा कंप्लीट होगा, दो पेज लिखिए, चार पेज लिखिए और अपनी हैंड राइटिंग को फर्स्ट पेज से लेकर एंड पेज तक कंपैरिजन कीजिए कि कौन सी अब बेटर होती जा रही है, क्योंकि डेली का एफर्ट आप अगर करोगे तो आप डेफिनेटली उस काम में परफेक्ट हो जाओगे। ब्रेन के साथ यही ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चलना चाहिए। अब हमने बात की डाइट के रिगार्डिंग, पेशेंट की हाइजीन के रिगार्डिंग, पेशेंट की एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग, अब हम चलते हैं हमें किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, किन ऐसी मिस्टेक्स को नहीं करना है जिसकी वजह से हम पेशेंट को जल्दी रिकवर करवा सकें। तो हमने क्या ध्यान रखना है, पेशेंट को किसी भी तरह से इंजरी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या खास ध्यान रखेंगे, पेशेंट को हम जहाँ भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिस भी सरफेस पे करवा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं होना चाहिए, ना ही अनइवन होना चाहिए। मान लीजिए आप घर पे पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हो, आपको लगता है कि वहाँ का फ्लोरिंग, वहाँ की टाइल्स बहुत स्लिपरी है, तो आप कारपेट वहाँ पर बिछा दीजिए जो ऐसा हो जिस पे पेशेंट आराम से चल सके। और ज़्यादा स्लिपरी सरफेस पे पेशेंट को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है और चांसेस होते हैं पेशेंट गिर सकता है और कोई ना कोई इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, चोट लग सकती है, तो उस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अब पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं उन्हें बेड से पकड़ कर उठाना पड़ता है, तो जब भी आप पेशेंट को पकड़ कर उठा रहे हो, स्पेशली उसके शोल्डर्स का हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी किसी को पैरालिसिस होता है तो शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, शोल्डर डिसलोकेट नहीं होता, शोल्डर ड्रॉप होता है। अब शोल्डर ड्रॉप और डिसलोकेशन में क्या फ़र्क है, डिसलोकेशन का मतलब होता है कि आपकी बोन बिल्कुल सॉकेट में से निकल ही गई, और जो ड्रॉप होता है उसका मतलब क्या होता है, वहाँ की मांसपेशियाँ थोड़ी ढीली हो गई हैं इसलिए आपका कंधा लटक गया है। तो हमने ज़्यादातर देखा है पेशेंट के यहाँ गड्ढा पड़ जाता है, अब वो गड्ढा धीरे धीरे भर भी जाता है, अगर वहाँ पर कुछ ऐसा होता डिसलोकेशन तो वो टाइम टेकिंग होता। अब ये गड्ढा भरना इसलिए स्टार्ट होता है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, चाहे शोल्डर की एक्सरसाइज हो, चाहे एल्बो की हो, जैसे हैंड की एक्सरसाइजेज, आर्म की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं और हमारी मसल्स में दोबारा स्ट्रेंथ आने लगती है, तो वहाँ पर मसल्स की अटैचमेंट अच्छे से होने लगती है, मसल्स की टोनिसिटी दोबारा से आनी स्टार्ट होती है, स्ट्रेंथ गेन करने लगते हैं, तो वो जो गड्ढा होता है वो भरने लग जाते हैं और पेशेंट के हाथ के अंदर, बाजू के अंदर मोबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट को किसी भी तरीके से कोई इंजरी ना हो। जब आप पेशेंट की मालिश कर रहे हो, सिकाई कर रहे हो, हमें खास ध्यान रखना है, बहुत गर्म तेल से आप मालिश नहीं करोगे, नॉर्मल टेम्परेचर ऑयल जो आपका है आप उसको इस्तेमाल करोगे, बिल्कुल हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ लगाओगे, दबा के जोर के मालिश नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट के अंदर ज़्यादातर क्या देखा जाता है, जब भी पैरालिसिस होता है उसको ठंडा गर्म महसूस होना बंद हो जाता है या कभी कभी सेंसेशन भी नहीं होती। तो कभी कभार पेशेंट के साथ क्या होता है, सिकाई करने के लिए हॉट बैग रखा, काफ़ी देर रखा रहा वहाँ पर और एट द एंड उसकी वहाँ की स्किन पे बर्न हो गया, क्योंकि पेशेंट को ठंडा गर्म महसूस ही नहीं होता। तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि अपने हाथ पे पहले केयर टेकर या जो भी हेल्प कर रहे हैं उनकी, वो अपने हाथ पर रख के देखेंगे कि वो सहने लायक है या नहीं, और एक जगह उस हॉट बैग को नहीं छोड़ना है, बार बार आप प्लेस बदलोगे, थोड़ी थोड़ी देर रखोगे और हटाते रहोगे, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो रेडनेस बन जाता है, ब्रूजिंग होने लग जाती है या फिर वहाँ पर बर्न हो जाता है, तो उस चीज़ को बचाते हुए हमें काम करना है।
अब मान लीजिए आप पेशेंट को बाहर एक्सरसाइज के लिए ले जाते हो, उसको कंफर्टेबल शूज़ पहनाने हैं ताकि गिरने के चांसेस कम हो जाएं, साथ के साथ कोई ना कोई असिस्टेंस के लिए ज़रूर जाएगा, अकेले नहीं भेजना है, क्योंकि पेशेंट एक बार थोड़ा थोड़ा बैलेंस जब संभाल लेता है, कई बार वो बोलता है मैं खुद चला जाऊँगा, बट जब तक वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो गया, असिस्टेंस के लिए उसके साथ रहिए, आपने बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करनी है, बट आपको वहाँ पर रहना ज़रूरी है ताकि पेशेंट को कोई इंजरी ना हो, अचानक से गिरे ना, उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। साथ के साथ जब आप वॉशरूम पेशेंट जाता है, मोस्टली क्या हिस्ट्री मिलती है, पेशेंट को चोट कैसे लगी, पेशेंट वॉशरूम के अंदर गिर गया, क्योंकि कभी कभार कमोड पे टॉयलेट यूज़ करते करते पेशेंट अचानक से बैलेंस खो देता है, या फिर वॉशरूम का फ्लोर वेट था, उसकी वजह से पैर फिसला और पेशेंट को चोट लग गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट के साथ जो रिकवरी आ रही होती है वो पीछे चली जाती है, क्योंकि मान लीजिए उसके लेफ्ट हैंड साइड पैरालिसिस है, गिर रहा पेशेंट, हाथ में दोबारा चोट लग गई, रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया, और अब वो 3-4 हफ्ते लेगा हीलिंग में, और पहले ही एक्टिविटी नहीं थी और स्टिफनेस आती चली जाएगी। तो हमें कोशिश ये करना है इन छोटी छोटी इंजरीज़ को हम प्रिवेंट करते हुए चलें, अपने एंड पे ट्राई करें कि पेशेंट को हम सेफ रखें, और अगर आप वॉशरूम पेशेंट को लेकर जा रहे हो तो मेक श्योर वहाँ का फ्लोर वेट ना हो, फ्लोर एकदम ड्राई हो, ज़्यादा आपको कहीं भी ऐसा लगता है फुट मैट्स इस्तेमाल कीजिए, कार्पेटिंग कर दीजिए ताकि पेशेंट वहाँ पर गिरे ना। अब पेशेंट अगर बेड रिडन होता है, पेशेंट को हम जैसे ही बेड से उठाते हैं बहुत ध्यान से उठाना है, साथ के साथ बेड्स के अराउंड आप रेलिंग्स या जो मेडिकल आपके बेड जाते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, ताकि वहाँ पर साइड में रेल्स होते हैं, पेशेंट सपोर्ट लेकर उठ जाता है पकड़ कर, उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अगर नहीं वैसा पॉसिबल है तो बहुत ध्यान से पेशेंट को पीछे से सपोर्ट लेते हुए उठाना है, करवट बदल रहे हो बहुत ध्यान से बदलनी है, व्हीलचेयर पे शिफ्ट कर रहे हो, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रोसीजर्स के अंदर पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो पेशेंट के अंदर रिकवरी फॉर श्योर जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो बाकी कॉम्प्लिकेशन से बचता चला जाता है। अब हमने बात की डाइट के रिगार्डिंग, हाइजीन के रिगार्डिंग, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके रिगार्डिंग, साथ के साथ क्या क्या एक्सरसाइज किस तरीके से करवानी है उसके रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे कि पेशेंट के अंदर रिकवरी आती कैसे है। जब भी पेशेंट को पैरालिसिस होता है, ब्रेन का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए मर जाता है, उसको हम जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूरॉन्स के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है रीजनरेशन की। तो उस कंडीशन के अंदर अब हमें दोबारा से पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट के ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को इनिशिएट करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी को इनिशिएट करते हुए पेशेंट में रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली जब पेशेंट को पैरालिसिस होता ही है, खुद से बॉडी रिकवरी करने की कोशिश करती है, और आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं आपस में कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं, सिग्नल भेजने लगते हैं कि हमारा एक हिस्सा मर चुका है, उसका काम अब हम बाकी भाइयों को संभालना है। अब जब ऐसा होना स्टार्ट होता है तो ब्रेन के अंदर मल्टीपल कनेक्शंस दोबारा बनने स्टार्ट होते हैं, और इन्हीं कनेक्शंस के बनते बनते आपकी बॉडी के अंदर दोबारा से फंक्शनिंग आनी स्टार्ट होती है। इनको इनिशिएट करने के लिए हम आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट जो रहता है उसके अंदर नर्वाइन टॉनिक्स रहते हैं जो ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्विच ऑन करवाते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर रिकवरी स्पीड अप हो जाए, क्योंकि एक फेज़ ऐसा आता है जहां पर रिकवरी आके स्टैग्नेंट हो जाती है। इनिशियली कुछ टाइम पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी आ रही होती है, फिर स्लोली स्लोली ऐसा होने लगता है कि पेशेंट को लगता है या सीरियसली ऐसा भी होने लग जाता है कि स्टैग्नेंट हो गई है, उससे आगे अब हम नहीं बढ़ पा रहे। वहाँ पर एक पुश देना इम्पॉर्टेंट होता है, और मेडिसिंस यही मदद करती हैं, ब्रेन को एक पुश देती हैं ताकि दोबारा से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग वापस आ पाए। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें क्या करना होता है, जो हमारे डॉक्टर्स आपको गाइडलाइंस देंगे, चाहे रिगार्डिंग डाइट है, एक्सरसाइज है, चाहे मेडिसिंस है, उसको कम्प्लीटली आपको फॉलो करना है। और आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स हो किसी भी कंडीशन को लेकर, अपनी प्रेजेंट कंडीशन को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, अपनी एक्सरसाइजेस को लेकर, या कोई भी माइंड में डाउट्स हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं, या आप क्लिनिक आकर डायरेक्टली मुझसे मिल भी सकते हैं।
आपको क्या करना है, अपनी प्रेजेंट कंडीशन की एक वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी है। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी कंडीशन देखते हुए असेस करेंगे कि कितने फेजेस में किस तरीके से आपके अंदर रिकवरी आ सकती है, आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को फॉलो करते हुए दोबारा से इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि बाकी पेशेंट्स भी हो रहे हैं तो आप भी हो सकते हो। चाहे आपका पैरालिसिस पुराना है, कई साल बीत गए हैं, या अभी अभी आपको पैरालिसिस हुआ है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत रखोगे, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखोगे, तो किसी भी बीमारी से आप लड़ सकते हो। आपने सुना होगा बहुत से कैंसर पेशेंट्स बहुत अच्छी लाइफ आगे निकाल जाते हैं, और कुछ लोगों में छोटी बीमारी होने पर ही उनकी डेथ हो जाती है। तो बीमारी से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। अगर आप बीमारी से लड़ जाओगे तो आप दोबारा इंडिपेंडेंट हो जाओगे, वरना बीमारी जीत जाएगी और आप हार जाओगे। तो वो नहीं होने देना है, क्योंकि आपके साथ श्रेयास की पूरी डॉक्टर्स की टीम है। हमारी टीम आपको हर एक स्टेप पे गाइड करेगी और दोबारा से इंडिपेंडेंट होने में मदद करेगी। उसके लिए बस आपने छोटा सा काम करना है, हमारी जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर अपने प्रेजेंट कंडीशन की अगर वीडियो भेज सकते हो वीडियो भेजिए, नहीं भेज पाओगे अपनी रिपोर्ट शेयर करो। कुछ भी नहीं हो पाता है तो आप उस पर टीम ऑफ डॉक्टर से कॉल करके बात कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपकी हम आगे चलकर मदद कर सकते हैं आपको दोबारा इंडिपेंडेंट होने में। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो जल्दी से जल्दी आपको रिकवर करवाने में मदद करेगी, आपको इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझने में मदद करेगी, और आगे चलकर ये दोबारा ना हो उससे बचने में भी मदद मिलेगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, टेक केयर। आप चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्री कंसल्टेशन सीधे हमारे एक्सपर्ट्स से।